IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं निशा और आप देख रहे हैं IVTV। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान के कारण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से डॉक्टर और नर्स के लिए जो है सम्मान का डिमांड किया है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, हम आपको पूरा बताते हैं। जीतन राम मांझी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि कोरोना में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। कोरोना होने पर अपने जब साथ छोड़ देते हैं तो यही चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ही हमारे अपनों से बढ़कर हमारी सेवा करते हैं। सरकार कोरोना से मृत चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ को शहीद का दर्जा दे, यही उनका सम्मान होगा। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी किस तरह से सरकार से डॉक्टर और नर्स के कोरोना से हुई मौत के बाद उनको शहीद का सम्मान देने के लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने उसकी सहमति जताई है जीतन राम मांझी की ट्वीट पर। अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि एक तरफ जहां अपने छोड़ जाते हैं कोरोना संक्रमण होने के बाद, तो दूसरी तरफ नर्स और डॉक्टर जो है उनका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसी पर दानिश रिजवान कहते हैं कि उन्हें शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। पहले आप सुनिए कि किस तरह से दानिश रिजवान जो है मांझी के ट्वीट पर सहमति जताते हुए क्या कुछ कहा है। देखिए, कोरोना काल में एक तरफ जहां परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार सब कोरोना के जो पीड़ित होते हैं उनसे अपने आप की दूरी बना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पूरी तरीके से कोरोना पीड़ित के साथ मुस्तैदी से खड़े होते हैं। इसलिए हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी ने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो चिकित्सक, वो नर्सिंग स्टाफ जिनकी मौत कोरोना के कारण हो जाती है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, यही कोरोना वॉरियर के लिए उचित सम्मान होगा। कि दानिश रिजवान ने किस तरह से सरकार पर अपनी मांग को रखा तो सुना आपने कि दानिश रिजवान जो हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा मिले, डॉक्टर और नर्स को सम्मानित किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए IVTV। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर वन बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशाजी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था मगर बाबा पाशाजी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशाजी बंगाली। बाबा पाशाजी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशाजी बंगाली।